सो गाइज अगर बात करें रियलमी के GT सीरीज के बारे में, सो गाइज यहाँ पर आपको दो स्मार्टफोन कंफर्म ऑफिशियल हो चुका है कि देखने को मिलने वाला है, रियलमी GT और रियलमी GT मास्टर एडिशन। लेकिन भाई यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियलमी GT स्मार्टफोन के बारे में। ऑलरेडी हमने मास्टर एडिशन के बारे में बात कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा जाकर वीडियो चेकआउट कर लेना। यहाँ पर गाइज ये जो रियलमी GT स्मार्टफोन रहने वाला है, आप बोल सकते हो कि ट्रूली फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि गाइज ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ में अब तक का चीपेस्ट स्मार्टफोन में बोल सकता हूँ, जहाँ पर आपको ऑलरेडी मार्केट के अंदर IQOO 7 Legend, Mi 11 X जैसे डिवाइस देखने को मिलते हैं। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन उनसे भी सस्ता रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि भाई यहां पर जो Realme GT स्मार्टफोन रहने वाला है किस स्पेक्स के साथ में फाइनली इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्या कुछ प्राइसिंग होगी और क्या ये ट्रूली फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। भाई सबसे पहले इस फोन के मेन हाइलाइटिंग पॉइंट की ही बात करते हैं, जो कि होने वाला है इस फोन का परफॉर्मेंस। जी हाँ गाइस, इस फोन का जो परफॉर्मेंस होगा वो टॉप नॉच रहने वाला है, बिकॉज इस फोन के साथ में लगाया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, जो कि अभी के टाइम पे तो क्वालकॉम का सबसे पावरफुल चिपसेट हो जाता है एंड्रॉइड की दुनिया का। सो यहां पर जो परफॉर्मेंस होगी वो कमाल की ही मिलेगी, साथ में LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। जहां पर अगर ग्राफिक्स की बात करें तो एड्रिनो का 660 देखने को मिलता है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, परफॉर्मेंस बेस्ट एक कमाल का स्मार्टफोन चाहते हो, कमाल का ऑप्शन रहने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन, 12GB रैम और 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन इस फोन के साथ देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करें कि भाई परफॉर्मेंस वाइज कैसा स्मार्टफोन रहने वाला है, तो कमाल का रहेगा। लेकिन इस फोन की डिस्प्ले भी कमाल की देखने को मिलती है, 6.43 इंचेस की डिस्प्ले साइज देखने को मिलती है। हालांकि फ्लैट स्क्रीन है, बट हाँ 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में। बाकी गाइस ये जो डिस्प्ले रहने वाली है एक सुपर एमोलेड स्क्रीन होगी, तो भाई यहां से जो कलर्स, जो ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वो कमाल की मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है सिक्योरिटी के लिए। तो गाइस अगर ओवरऑल देखें ना डिस्प्ले को, तो एक सुपर एमोलेड पैनल, हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, तो भाई डिस्प्ले के अंदर भी कोई कमी नहीं मिलती है, आपको कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं डिस्प्ले वाइज भी। बैक साइड की बात करें तो गाइस यहां पर इस प्राइस के ऊपर भी ना रियलमी प्रोवाइड करा रही है ग्लास पैनल नहीं बल्कि प्लास्टिक पैनल, तो ये मैं कहना चाहूंगा यहां पर एक ग्लास पैनल तो होना ही चाहिए था इस प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ट्रूली फ्लैगशिप कलर स्मार्टफोन होने वाला है, तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको करनी पड़ेगी। फोन के जो बैक में आपको देखने को मिलता है एक प्लास्टिक बैक मिलता है, लेकिन हाँ एक काफी कमाल का शाइनी लुक देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको एक लेदर वाला वेरियंट भी देखने को मिलने वाला है, तो भाई ओवरऑल एक कमाल का बैक साइड आपको देखने को मिलता है शाइनी लुक के साथ में। बात करें तो इस फोन के साथ में ना 3.5mm का ऑडियो ने हेडफोन जैक मिलने वाला है। गेमिंग स्मार्टफोन में भाई 3.5mm का ऑडियो नहीं हेडफोन जैक तो होना ही होना चाहिए। जहां पर अगर कैमरा की बात करें तो बैक साइड में ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है, जो प्राइमरी लेंस है वो है 64MP का, 8MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है पंच होल कटआउट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। हालांकि अगर बात करें कैमरा सेंसर्स को लेकर, कैमरा क्वालिटी को लेकर, तो भाई जब ये फोन मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, कैमरा टेस्टिंग होगी हैंड टू हैंड, तभी कुछ कह सकते हैं। लेकिन भाई अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पर जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन रहने वाला है, तो कहने की कैमरा के अंदर आपको डाउनग्रेड देखने को मिलने वाला है कंफर्म आप मान लो। जहां पर अगर बात करें फोन के बैटरी को लेकर, तो भाई ये जो फोन रहने वाला है यहां पर आपको बहुत लंबी बैटरी नहीं मिलती है, बहुत कम भी नहीं मिलती है, 4500mAh की बैटरी मिलती है। अब ये होता क्योंकि फोन का जो वेट मैनेजमेंट है वो अच्छे से किया जाता है, और भाई रियलमी का जो वेट मैनेजमेंट होता है, जो इनहैंड फील होता है, मैं बोलना चाहूंगा अमेजिंग हो जाता है। जहां पर इस फोन का जो वेट रहने वाला है 186g के करीब रहने वाला है, और यहां पर अगर बात करें तो 8.4mm की थिकनेस के साथ में आता है, तो बहुत मोटा, बहुत बल्कि हैवी फोन नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग 4500mAh की बैटरी में बोलूंगा ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन भाई 65W का फास्ट मैसिव चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें ना, तो फोन के साथ में आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमस, तो ओवरऑल एक कमाल की बात हो जाती है। आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस रहेगा, जो गेमिंग करोगे वो कमाल का रहने वाला है। साथ में गाइस वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के साथ, रियलमी UI के साथ ये फोन आता है। लेकिन भाई फाइनली अगर बात करें कि किस प्राइस के ऊपर इंडिया के अंदर स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और मैं क्यों कह रहा था कि भाई ट्रूली फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होने वाला है, बिकॉज इस प्रोसेसर के साथ में ना, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में इस प्राइस के ऊपर ये पहला स्मार्टफोन मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। क्योंकि गाइस इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस सामने निकल कर आई है बहुत ही अमेजिंग है। ये स्मार्टफोन आपको अंडर 40,000 यानी 40,000 से नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन भाई 40,000 के करीब भी नहीं रहने वाला है। आपको ये स्मार्टफोन 34,000 से 35,000 के करीब देखने को मिल सकता है अपने बेस वेरियंट के साथ में। लेकिन हाँ, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, तो भाई आप ऑफिशियल प्राइस का वेट जरूर करना, लेकिन आप कन्फर्म मान लो कि ये स्मार्टफोन ना
अब तक का चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन रहने वाला है। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ नीचे कमेंट करके अपने सुझाव अपने सवाल जरूर पूछ सकते हो। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।